गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। साल भर से हम गणपति बाप्पा की राह देखते रहते हैं ना। सारे बच्चों के गणपति बाप्पा सबसे फेवरेट होते हैं, लेकिन अब रुद्र जैसे बहुत सारे बच्चे भी हैं जिन्हें गणपति बाप्पा बनाना है। अब वो कैसे बनाएं? तो मेरे पास एक आइडिया है कि रुद्र जैसे छोटे बच्चे अपने घर में गणपति बाप्पा भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्ले। आई एम श्योर 90% बच्चों के पास तो घर पे क्ले होता ही है जिनसे वो क्ले के साथ खेलते हैं। तो शुरू करें हम क्ले से इजी वाला, एकदम इजी वाला गणपति कैसे बनाएं। हाँ, मैं तुम्हें बना के अभी दिखाता हूँ। यस, तो अभी हमारे पास क्ले है, ओके रुद्र। और क्ले के साथ हमारे पास कुछ कलर्स भी हैं और कुछ टूल्स भी हैं, जो इजी टूल सभी क्ले बॉक्सेस में इजीली अवेलेबल तो होते हैं। हम इसी टूल बॉक्स से एक गणपति बाप्पा बनाने वाले हैं जो रुद्र बनाएगा, जो बहुत इजी है। लेकिन हाँ, जो रुद्र से थोड़े बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी मैं एकदम इजी वाला गणपति बाप्पा बनाने वाली हूँ। तो शुरू से आखिरी तक के याद से देखना वीडियो। और अगर आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब रेड कलर में जो बटन लिखा है ना, उसे जरूर प्रेस करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम कलर लेंगे ये वाला, ओके, जो रुद्र बनाने वाला है। तो ऐसे मैंने क्ले ले लिया और ये थोड़ा सा हम इसे सॉफ्ट करने के लिए करो स्मैश इट, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। मैं ताकत लगा रहा हूं। बहुत ताकत लगाओ और ऐसे प्लेन करना है, ओके। और अब ऐसे प्लेन करने के बाद हम इससे इसे रोल कर देंगे। हाँ। ये इससे कुछ होने नहीं वाला है, मेरे पास एक आइडिया है। बेलन, माँ का बेलन हर जगह काम आता है। हो रहा है ना इसे अच्छे से रोल? हाँ, ये तो हर जगह में कर देता है रोल। तो ऐसे बेल लिया। अभी रुद्र, ये तुम्हारी शेप से ना, शेप से कट करो, ओवल, स्क्वायर, हाफ सर्कल, और ले लो हाफ सर्कल और ले लो। तो हमारे ऐसे शेप सारे कट गए, स्क्वायर, हार्ट शेप, रेक्टेंगल, ये तो सबके पास घर पे रहते हैं। लेकिन बाय चांस किसी के पास नहीं है, जैसे हमारे पास सर्कल शेप नहीं था तो मैंने ये ढक्कन का यूज किया, वैसे ही आप भी कोई भी शेप्स का यूज घर के यूटेंसिल्स या किसी भी शेप से आप वो कट कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो हमारे शेप्स तो बन गए, अब फटाफट बना के दिखाओ रुद्र। ठीक है, मैं बना के दिखाता हूँ। पहले लेंगे हम उनका सर, ओके, और फिर उनके दोनों कान, ओके, और फिर उनके पेट, अरे, और फिर गणपति बाप्पा कैसे बैठते हैं? पद्मासन, उनका पद्मासन जैसे आसन बनाओ ऐसा, और फिर ऐसा, वेरी गुड, और फिर उनका मुकुट ऐसा, yes, और फिर लास्ट में ये उनका सूंड। हमेशा याद रखिए कि हम जब भी गणपति बनाते हैं या लेते हैं तो उनकी सूंड हमेशा लेफ्ट साइड हो, और हमेशा गणपति बाप्पा बैठे हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं। सो हमेशा बैठे हुए गणपति बाप्पा बनाएं, ठीक है। और बच्चे हमारे उंदीर मामा। हाँ। तो एक हम ओवल शेप रख लेंगे और एक छोटी सी टेल के लिए ऐसे एक सर्कल लेके पतली सी टेल बना लेंगे। हाँ, पतली सी टेल बनाएंगे। यस, हमारे उंदीर मामा के लिए। और ये ऐसे, तो अभी ये तो हो गया। अब मुझे लगता है हम पिंक कलर से इनको एक टीका लगाते हैं ताकि पॉपल के ऊपर, तो ये ऐसा दिखाते हैं, छोटा सा सर्कल लेंगे, ओके, और इसे हम रोल करके छोटी सी तिलक बनाएंगे, ओके, और उनके लिए एक जनेऊ, ओके, और फिर हम उनकी सूंड।
हमने सूंड भी लगा दी और हमारे गणपति बाप्पा हो गए रेडी। हाँ। तो ये तो हो गया रुद्र के गणपति पापा। अब जो थोड़े से रुद्र से बड़े हैं उनके लिए भी मैं एक गणपति पापा बनाऊंगी, लेकिन वो बहुत इजी है, कोई भी बना सकता है। तो मैंने रुद्र ने तो लिया पर्पल कलर, मैं ले रही हूँ ऑरेंज। आपके पास जो कलर का हो वो कलर में बना सकते हैं। तो अब मैंने ये थोड़ा सा क्ले को सॉफ्ट कर लिया, तो हम पहला स्टेप लेंगे। तो ये बना लिया हमने हेड, और थोड़ा सा बड़ा लेंगे हम पेट के लिए। तो अभी हमने बना लिया एक छोटा सा रोल जिसे हम बनाएंगे उनका सर, एक छोटा सा बड़ा और रोल जिसका हम बनाएंगे पेट, और अभी मैंने सिलेंडर शेप में और एक बना रही हूँ जिसे हम बनाएंगे उनके पैर। और हम भाई बैठा देंगे इसमें। इस तरीके से। और फिर उनका सर, तो ये टूल से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि उनका हेड इजीली बैठ जाए और चिपक जाए। चिपक जाए। ओके हाँ, और वहां पर थोड़ा मिक्स कर दो। यस, मिक्स हो गया। अब हम लेंगे वापस दो पीसेस करेंगे जिससे हम बनाएंगे उनके हैंड्स। हाँ। और ऐसे हम रोल करके उनके हाथ के लिए ऐसे बीच में दो हाथ बना लेंगे। तो एक हाथ रहेगा जिसमें हम रखेंगे उनका फेवरेट। बताओ गणपति बापा का फेवरेट क्या है? उनका मोदक। मोदक, तुमने तो सही कहा। और एक हाथ रखेंगे जो हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद। ऐसे हैंड्स लगा लिए और मैंने भी एक जनेऊ की एक लाइन चिपका दी। अभी हम बनाएंगे उनकी सूंड। तो सेम एज यूजुअल हम एक छोटा सा रोल लेंगे, वापस उसे पतला सा रुद्र के वर्ड्स के अनुसार स्नेक जैसा बनाएंगे। हाँ। है ना, जो भोलेनाथ के गले में होते हैं। हाँ। और उसे हम यूं कट करके एक सूंड बनाया तुमने। तो हमने एक कान लगा दिया और ऐसे छोटा सा बॉल लेना है और इसे कुछ नहीं करना है, इसे सिर्फ ऐसे प्रेस करना है। और वे पेटल होता है ना। हाँ। उसके हिसाब से सिर्फ उसे थोड़ा प्रेस करके यहाँ से इधर से हम इसे स्टिक कर देंगे तो ये चिपक जाएगा। ठीक है, और अभी तो उनका फेवरेट बचा है ना, बताओ। यस, तो हम इसमें पर्पल कलर ले लेंगे। तो अभी हम पर्पल कलर का ये ऐसे छोटा सा मोदक बनाएंगे। ये एकदम इजी वाले गणपति है, मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज में नहीं जा रही हूँ, लेकिन जो बच्चे बना सकते हैं वैसे गणपति पापा हैं। उनके हाथ में ऐसे रख देंगे, उनके आईज के लिए एक छोटा सा होल यहाँ पे, एक छोटा सा होल यहाँ पे, और छोटे छोटे हम दो लगे ना, एकदम क्यूट से गणपति पापा। और अभी उसी पर्पल कलर में हम लेंगे एक छोटी सी ऐसे रोल और जिससे हम बनाएंगे उनका मुकुट। लेकिन हम उनका उंदीर मामा तो नहीं बनाएंगे। यस, बनाएंगे ना, उनका तो फेवरेट है ना उंदीर मामा। और वापस एक छोटा सा ऐसे कोन लेंगे और अब इस तरीके से हम रख देंगे इनका मुकुट के ऊपर कोन जैसा, मतलब ये दिख रहा है उनका मुकुट। ये तो केसरी वाले गणपति बप्पा लग रहे हैं। और रहे हमारे उंदीर मामा, तो मैंने एक सर्कल लिया और उसके सामने एक छोटा सा ऐसे कोन शेप बना लिया और ये रख देंगे हम यहाँ पे, और उनकी छोटी सी बनाएंगे हम तेल। तो ये।
देखने की भी दो आंखें। सो हमारे रुद्र जैसे बहुत इजी विथ हेल्प ऑफ शेप्स रेडी हो गए हैं, और एक छोटा सा मैंने गणपति बाप्पा भी बनाया है जो रुद्र से थोड़े बड़े बच्चे भी बना सकते हैं, जिसे मैंने बहुत एक्सपर्टाइज से नहीं बनाया है, लेकिन हाँ एक छोटा बच्चा जो रुद्र से काफी थोड़ा बड़ा हो वो पक्का बना सकता है। तो कैसे लगे हमारे गणपति बाप्पा? बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छे लगे। अब इसी गणपति बाप्पा के लिए हम एक गणपति स्तोत्र बोलेंगे जो हमें रुद्र बोल के सुनाएगा। ओके, साष्टांग नमनमा जय गौरी पुत्र विनायक भक्ति ने स्मरता नित्य आयु का मद साधती प्रथमा वक्र तुंड दूसरे एक दंत थे तीसरे कृष्ण पिंगाक्ष चौथे गजर वक्र थे पांचवे श्री लंबोदर साय विकट नावते सातवें विंद राजेंद्र आठवें तुम वर्ण थे नवे भालचंद्र दाशु नायक अकरावे गणपति बारहवे शेख चांदन देवनावी अश्वारा तीन संध्या मेहनर विघ्न भीति न से त्याला प्रभु तू सर्वते दिदे विद्या थाला मिय विद्या दना दला मिय धन पुत्र थाला मिय पुत्र मुक्ष थाला मिय गति जपता गणपति स्तोत्र सामा सतैव एक वर्ष पूर्ण होता मिय सिद्धि न सश्य नर झाले रचले झाले श्री संपूर्ण स्तोत्रे श्री धरानी मराठी बदने अनुवाद दिले श्री गणपति स्तोत्र संपूर्ण गणपति बाप्पा मंग